आज का क्लास हम लोग प्रोविडेंट फंड एचआरए इसके ऊपर ही काम करेंगे। यहां पर हम लोग काम करते हैं 1000 अलाउंस रिसीव्ड ₹5,200 पर मंथ अप टू जून अगस्त 2020 ही रिसाइड्स इन हिज हाउस and after that shifted and after that shifted in a rented accommodation at Kolkata rupees 8,000 per month, 6,000 per month. Done. करते हैं solution. मजा करके बोल क्या करना है। कैरी ऑन बेसिक सैलरी बोलो क्या है। वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी कितना हमारी बिक्री करे दे बोलो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे लोग बोलो बोलो सर 1-4 से आई लव यू की तरह ये प्रॉब्लम है सर अप्रैल से दिसंबर तक 20,000 है प्रॉब्लम है बोलो बेसिक सैलरी 20,000 1/4/2020 में ध्यान से बोलना इंक्रीमेंट हुआ है 1500 ड्यू ऑन जनवरी 2021 तो मुझे ये बताइए उसका बेसिक सैलरी क्या हुआ होगा सर एज पर माय नॉलेज इज कंसर्न अप्रैल 2022 दिसंबर 2020 कितना था कोई बोल सकता है क्लास में 20,000 इनटू 9 months यस और नो 1,80,000 1,80,000 एग्री और डिसएग्री
अब्दुल क्लास में आज ज्वाइन किया, आज भी नहीं किया? ये सर आज ये मैंने तो सोचा छोड़ ही दिए हो तुम मुझको। अप्रैल नहीं सर टू दिसंबर 2020 20,000 into 9 months 1,20,000 then Jan 2021 to March 2021 कितना रुपीज? बोलो 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 21,500 तो अच्छा हमारे के लिखते हो 20,000 हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा 20,000 plus 1,500 डायरेक्ट लिखिए ना 20,000 plus 1,500 ठीक है। समझ में आया 21,500 ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो पूरा उसूल करके छोड़ोगे, डेंजरस स्टूडेंट्स। टोटल बेसिक बोलो 2,44,500 1,40,000 plus 64,500 कितना? 2,44,500 उसके बाद क्या लिखोगे? डी आर नेश अलाउंस क्या सिखाया था? फॉर्मिंग पार्ट हाउ मच? डीए बोला 15,000 पर मंथ इंटू 12 into 20% एम आई करेक्ट? तो 15,000 into 12 into 20% 36,000 not forming rupees kya hai rupees 15,000 into 12 80% how much? Fifteen thousand into 12 into 80% 1,44,000 तो बोलो टोटल कितना होगा बेटा? 36,000 plus 1,44,000 1,80,000 और कुछ? कमीशन ऑन टर्नओवर 2% ऑन 2,00,000 कितना?
4000, then HRA, taxable HRA, taxable allowance, उसके नीचे HRA received कितना 5200 into 12 months. अलाउंस तो 12 महीने का मिला है, वो किराए के घर में रहता है बाद में, लेकिन मिला तो है पूरा 12 महीने का. यस और नो? यस. तो कितना 5200 into 12, बहुत सावधानी से ये वाला पार्ट देखना, 62,400 less exemption under section 10-13A. मुझे करना पड़ेगा working note 2, exemption for HRA, lowest one, उससे पहले salary calculate करो. Salary for HRA क्या है, क्या बोला था? सैलरी फॉर एचआरए सर, जितना तक मुझे याद है, बेसिक सैलरी रुपीस, हाउ मच बेसिक? 2,44,500. ये क्या, ये का पूरा पार्ट लेंगे ना फॉर्मिंग पार्ट? फॉर्मिंग पार्ट. आई थिंक सबको समझ आया क्यों सर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग दो अलग अलग करके रखते थे. 36 कमीशन ऑन टर्नओवर, कितना कमीशन ऑन टर्नओवर बोलो जी? 4000, दैट इज रुपीज 4000. क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे, सैलरी. सैलरी कितना? 2,84,500. वेरी गुड. एग्जेम्पशन के लिए हम लोग अब काम करेंगे. तो एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन ए, एचआरए एचआरए रिसीव्ड क्या था फॉर रेलिवेंट पीरियड, भूल गए हो? कहाँ लिख दे रहे? अच्छा, यहाँ पर और एक भी चीज करना पड़ेगा, रेलिवेंट पीरियड फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, दैट इज इक्वल टू कब? अगस्त तक तो किराए के घर में नहीं था, अपने घर में था. उसके बाद मतलब कहां तक किराए के घर में था? अगस्त तक था, उसके बाद तो किराए में शिफ्ट किया है, मैंने आपको अगस्त सितंबर से. तो क्या होगा, सितंबर 2022 मार्च 2021, क्या होता है? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 months. तो रेलिवेंट इज 7 months. मैंने लिखा था ना, अगर वो खुद के घर में रहता है तो कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई पहला अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5 महीने उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला, लेकिन उसको एग्जेम्पशन कैलकुलेशन होगा सिर्फ 7 महीने के लिए.
तो बाकी पांच महीने का इनकम ऐसे ही टैक्सेबल हो जाएगा. एग्जेम्पशन फॉर 7 months, ओके, दैट इज रेलिवेंट पीरियड. एचआरए रिसीव्ड फॉर 7 months, दैट इज रेलिवेंट पीरियड. ओके, अगर कोई जानना चाहते हो तो पहले ही रेलिवेंट पीरियड मैंने बोल्ड कर दिया. कितना होगा बेटा? सर 5200 इंटू 7 महीना, मतलब रेलिवेंट पीरियड जब वो किराए के घर में था, कितना होगा? 36400. बी रेंट पेड फॉर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. कितना? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑफ कितना मंथ्स? ए बी 7 months. सर बार बार 7 months लिखने का जरूरत है ना? एकदम नहीं, मैं समझाने के लिए आप लोगों को लिखा रहा हूं, बिकॉज रेलिवेंट मतलब ही ऊपर में तो मैंने लिख ही दिया है. एग्जेम्पशन फॉर रेलिवेंट मंथ, रेलिवेंट मंथ्स, रेलिवेंट मंथ्स का मतलब जिस पीरियड में वो अपने किराए के घर में रहता है. तो कितना होगा बेटा, बोलो? रेन पेड, आई थिंक रेन कितना दिया था? 6000 पर मंथ, कोलकाता में था. तो 6000 इंटू 7 माइनस 10% इंटू सैलरी ऑफ 7 months, 2,84,500 इंटू 7/12. यस और नो, सबसे पूछ रहा हूं. Yes, sir. Yes, sir. सर ये 10% कहां से है सर? डाउट है तो फिर से बोलिए. चार एक बार फिर से बताइए सर. 6000 into 7, 7 महीना का जो रेंट दिया है माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर 7 मंथ, ये 2,84,500 तो 12 महीने का सैलरी है. 7 मंथ का सैलरी कितना होगा बेटा? 2,84,500 into 7/12. यस और नो? यस सर. उस सैलरी का 10%, रेन पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. क्लियर और नॉट? यस सर. तो दैट इज इक्वल टू सर 42,000 माइनस 2,84,500 इंटू 7/12 इंटू 10%. फिगर कम्स टू 16,596. 16,596. कितना? रुपीज 25,404. यस और नो? यस. सी कलकत्ता है, दैट इज 50% ऑफ सैलरी. कौन सा मंथ का? ऊपर में हेडिंग देखिए, exemption is available for relevant month of 7 months. Sir, ये बार बार 7 month लिखना पड़ेगा? No. First दो problem मैं कराता हूं, उसके बाद आपके दिमाग में automatically हो जाएगा relevant period के लिए ही ये बोला गया है. क्यों बार बार लिखेंगे गधे की तरह? Into 2,84,500 into, बोलो बोलो बोलो, 7/12, हाउ मच? रुपीज 2,84,500 इंटू 7/12 इंटू 50% 82,979. तो एग्जेम्पशन क्या होगा? फोर एग्जेम्पशन लोएस्ट, कितना लोएस्ट?
रुपीज 5,404 25,404 मतलब मिला तो था रिसीव 12 महीने का लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर 7 मंथ्स बिकॉज बाकी 5 महीना का एग्जेम्पशन वो क्लेम ही नहीं कर सकेगा वो अपने घर में था कितना बच्चे लोग 36,996 Next contribution क्या है HRA हो गया commission हो गया contribution to RPF 20% of basic salary okay contribution to RPF in excess of 12% of salary contribution by employer कितना contribution employer कितना contribution किया है देखो straight way में बोल दिया है 20% of basic salary 20% of basic salary कितना 2,44,500 उसका 20% क्लास में कोई है जो बता सकेगा मुझे 2,44,500 कोई नहीं है मेरा यहाँ पर 48,944 देखो मेरा कितना बच्चा आ गया less 44,944 सर 48 ही हो रहा है 48,900 आ रहा है सर हाँ less 12% of salary 12% तक आपको छूट दिया गया था इसके ऊपर contribution होता है तो taxable हो जाएगा तो 12% of salary 12% on ये आपको अगर याद है सैलरी फॉर एच आर एंड पी एफ आरपीएफ कंट्रीब्यूशन सेम ही था यस और नो यस सर हाँ तो मैं लिख सकता हूं वर्किंग नोट 3 सैलरी फॉर व्हाट सैलरी आर पी एफ कंप्यूटेशन सैलरी ऊपर देते हैं लेकिन हम लोगों का जो कैलकुलेशन होगा 12% कौन सा सैलरी बेसिक प्लस डीए के ऊपर दैट इज सेम वे में यहां पर ऑब्वियसली 12 महीने ही होगा सिंस पूरा साल का काम कर रहा है तो सैलरी इक्वल टू 2,84,000 तो चलिए 12% ऑफ 2,84,500 सर वो लोग को बेसिक सैलरी के ऊपर लिया है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है बेसिक सैलरी के ऊपर लेकिन आपका जो एग्जेम्पशन है तो 12% ऑफ आप सैलरी के अनुसार तो वो इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा सर 20% बेसिक सैलरी के जगह 20% ऑफ सैलरी बोल देता हाँ तब इनकम टैक्स का जो सैलरी का मतलब और यहाँ पर जो 20% ऑन सैलरी बोला है मान के चलेंगे सेम ही है बिकॉज इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया है 20% ऑन बेसिक सैलरी तो बेसिक सैलरी के ऊपर ही 20% करना पड़ेगा तो कितना आता है 34,140 2,84,500 into 12% 34,140 माइनस करके टैक्सेबल कितना
14760 interest credited in RPF क्या होगा देखते हैं 12% में 14,400 less excess interest credited $14,400 less interest at the rate of 9.5% कितना होता इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ है एट द रेट 14,400 इज एट द रेट ऑफ 12% तो 9.5 बाय 12 यस और नो ऊपर वाला 12% है हाँ 14,400 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% और आपने कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था 9.5 तो कितना आता है 11,400 तो एक्सेस कितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है जो टैक्सेबल हो जाएगा सर 3,000 और कुछ है दैट इज ग्रॉस सैलरी कितना बोलो ₹2,44,500 + ₹1,80,000 + ₹4,000 + ₹36,696 + ₹14,760 + ₹3,000 ₹4,83,256 बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना क्वेश्चन दिखाते हैं सर हाँ सर रिलेवेंट पीरियड का हम लोग सैलरी ले रहे हैं एचआरए के लिए तो पूरा साल भर का सैलरी को क्यों एवरेज कर रहे हैं सिर्फ अगस्त से मार्च तक का सैलरी को ऐड क्यों नहीं कर रहे सॉरी सर एचआरए के लिए रिलेवेंट पीरियड का सैलरी ले रहे हैं ना सर एवरेज करके आप तो हम बोले सर जब वो अगस्त से जब वो भाड़ा के घर में है तो अगस्त से मार्च तक का सैलरी को ऐड क्यों नहीं किया सर उसका सैलरी तो बीच में जाके बढ़ा भी है ना सर एवरेज करने से तो वो फिर वो बढ़ने वाला पूरा में डिवाइड हो जा रहा यस एकदम ही राइट बोले हो लेकिन ये करने के लिए आप लोगों को प्रोपोर्शनली सब कुछ जगह करना पड़ेगा तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने वो मैटर को इग्नोर करके रखा है सर उसके वजह से गलत नहीं होगा ना सर हाँ अगर आप डिटेल चाहेंगे तो आपने एकदम ठीक ही बोला है सर आपको बेसिक सैलरी आपको उस 7 महीने का लेना पड़ेगा चलिए आप अगर पकड़ते हैं तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा दिन देन क्या करते हैं वो सा ना लॉजिकली आपको लेना चाहिए वो 7 महीना ही दैट इज उसके जिस महीने से वो रूम में स्टे कर रहा है
यस सर। तो उससे हम लोगों का एग्जेम्पशन का कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है, देखते हैं करके क्या होता है। ये रिसाइडिंग देना ही नहीं चाहिए था, फंस जाएगा स्टूडेंट। बोलो नो, क्या कराऊंगा, ठीक कराऊंगा ना चेंज कराऊंगा। चलिए करते हैं। ये कैसे आ गया है, टू लाख 44,500। तो आपको सैलरी फॉर एचआरए लेना कितना महीने का है, सितंबर, सितंबर से मार्च, टू मार्च, हाँ, तो सितंबर टू मार्च कितना है सैलरी, 20,000। सितंबर से दिसंबर तक तो 20,000 है, फिर 21,500 है, तो उसके पहले था 20,000 इंटू फोर, फोर प्लस 21,500 इंटू थ्री, अमाउंट बोलो 1,44,500। 1,44,500 डीए फॉर्मिंग पार्ट 36 नहीं ले सकोगे, फॉर्मिंग पार्ट इंटू 7/12 कितना, 21,000 कमीशन ऑन टर्नओवर 4,000 इंटू 7/12 कितना, 4,000 इंटू 7/12 2,333 तो सैलरी ऑफ 7 months रेलिवेंट पीरियड को मैं पहले दे देता हूं। तो सैलरी ऑफ 7 month कितना आएगा, फुल फिगर बोल, 1,67,833 होगा। HRA received, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने तो 7 month का कैलकुलेट कर लिया, तो 7/12 नहीं लगेगा, 1,67,833 कितना हुआ, 16,783 करके फिगर कितना होगा बोलो, 42,000 माइनस 16,783 25,217 और ये हो जाएगा 50% ऑफ 1,67,833 1,67,833 कितना का होगा, 25,217 217 ये कितना होगा, 62,400 माइनस 25,217 37,183 तो ये भी चेंज हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड में नो इश्यू बिकॉज वो सारा साल का होता है,
43,783 plus 14,760 plus 3,000 सैलरी ये है 12 मंथ का, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर 12 मंथ्स. For 12 months. Okay. छोटा प्रॉब्लम था लेकिन अच्छा था. ताज ने उसको और भी अच्छा करने के लिए बाई फोर्स मुझे किया. नॉर्मली क्वेश्चन में आपका नहीं रहता है लेकिन अनफॉर्चुनेट एग्जामिनेशन में बोल नहीं सकते, एक साल आया था मतलब एग्जामिनर ये झमेला नहीं रखा था, लेकिन यहां पर तो आ चुका है. Then you have a no option. तो ऐसा सिचुएशन में आपको जैसे मैंने किया वैसे ही करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, for the sake of examiner, कभी-कभी क्या करता है? वो total average करके 7/12 देते, तब भी number देता है, लेकिन वो ठीक नहीं है. लेकिन right one is that one. Because जिस month का exemption है, उसी month का salary आपको calculate करना पड़ेगा, दूसरा month का नहीं. ठीक है? चलो. Illustration 2. Mr. Sen retired on 1/2/2020 from A Limited, where he is a member of an unrecognized provident fund. He received from the URPF rupees 10 lakh. Out of the amount received, the employer share was 4 lakh. Interest thereon is 2 lakh. Employee share 2,50,000 and interest thereon is 60,000. Discuss the tax liability. What is your answer if the provident fund is a recognized? Solution. Amount received from URPF. याद है घर में पड़े थे आप लोग? Yes, sir. आपको पूछ रहा हूं विष्णुप्रिया इस्तीश. Yes, employers employees contribution क्या होगा? डैश not taxable. Employees contribution to is not a income. A income ke baad it is a application of income. Okay, since application income is a taxable, application income is not a taxable. You as an employee investing your own taxable amount, investing your own money, so it is not at all a taxable. But on behalf of you, if someone wants to give you the benefit, then such benefit is taxable. Employer's contribution. Employer's contribution kitna? Employer share 4 lakh. 4 lakh. Rupees 4 lakh. ब्रैकेट में क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल. अंडर सैलरी. Interest credited to interest on employer's contribution. Employer's contribution
OBs are fully taxable. That is also taxable under the head salary. Kitna? Rupees. 2 lakh. Two lakh. I think a 50 hoga. Interest on employees' contribution. Normally employee खुद अपना invest किया है, निवेश किया है, उससे income हो रहा है, वो तो taxable होगा, लेकिन कौन सा head में? Other source. Very good. Taxable under IFOS. IFOS का मतलब समझेंगे तो? Yes sir. Rupees how much? 1,50,000. Clear or not? Total. Total kitna? 6,07,50,000. 750. What is your answer? क्या बोला है? What is your answer if it is what is your answer if it is received if the provident fund is recognized. क्या होगा? बोलो. Sorry. पूरा exempted रहता है सर. पूरा ही non-taxable. Non-taxable. Done. Pura hi non-taxable. Agar URPF hai, to wo jama hone ke time taxable nahi hota hai, withdraw karne ke time taxable hota hai. Lekin RPF agar hai, agar aapka fund hai recognized, that is RPF. तो क्या होगा? तो सर कंट्रीब्यूशन जब हुआ था एक्युमुलेशन के टाइम आपका क्या हुआ था? टैक्सेबल हुआ था इन एक्सेस ऑफ 12%, इन एक्सेस ऑफ 9.5%. लेकिन जैसे ही आपका विथड्रॉल का टाइम आएगा तब कोई टैक्सेबल नहीं होगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूआरपीएफ एंड आरपीएफ. यहां तक कोई डाउट? सबको पूछ रहा हूं, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है बेटा? अच्छा, मैंने आज का रिकॉर्डिंग नहीं चलाया था. यस और नो? आप सर आज हुआ था सर, स्टार्ट हुआ था तो यस स्टार्ट किए थे सर, ऑन किए थे आप. ठीक है ठीक है, एक बार ऑलवेज चेक कर लेना. चलिए, घर में बहुत अच्छी तरह से ये फेज आप देख लेना, याद रखना. फेज वन आपका कंप्लीट हो गया सैलरी का.
इसके बाद फेज टू हम लोग जाएंगे, दैट इज परक्यूजिट्स, कल का क्लास से वो थोड़ा तगड़ा है, आराम से हो जाएगा हम लोगों का। यहां तक कोई डाउट है बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके टैक्स इंसिडेंस से लेके सैलरी, यहां तक कोई डाउट है? चलिए अटेंडेंस दे देते हैं जिसके लिए हम लोग आते हैं। सर আমি লিভ করছি তাহলে। নেহা তুমি অসুবিধা নেই তো? না। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা যাও। আচ্ছা কাল মেনে আপ লোগো কো অ্যাটেন্ডেন্স দিয়া থা তো? ठीक है बोलो। ट्वेंटी 4 बोलो कौन कौन है? रोल नंबर 1 रोल नंबर 3 Roll number 4. Yes, sir. 21 yes sir 21 22 21 sir 26 22 दे दिया 23 तो सब हो गया 29 20, yes sir 29 sir 29 sir 32 sir 29 होंगे sir अब्दुल नौरीन सर 29 हो गया सर अब्दुल नौरीन उसके बाद सर हाँ हो गया उसके सर 29 हो गया सर 46 सर 46 सर 29 हो गया सर 29 तो यस सर कितना बार बोलोगे बेटा सर 46 54 यस सर 54 54 यहाँ कहाँ था कहाँ थे सर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था पांच क्लास नहीं कर पाए इमरान आलम 47 और कौन है 63 66 67 और 71 97 creating too much problem sir 92 96 95 or निखात 97 राहुल नहीं है कुणाल है यस सर और कोई सर 46 हो गया हाँ हाँ दे दिया
शाइमा अनवर नहीं है, निकट परवीन, शाइमा है, गुंजा है, निकट परवीन नहीं है, ठीक है, चलो टाटा बाय सर बाय।